हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी इमली की मीठी चटनी की है। आप इसे दही बड़ा, चाट, समोसा, कचौरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम इमली ली थी। मैंने इनके रेशों को हटा दिया है। इमली पर कुछ छिलके भी होते हैं, मैंने उनको भी साफ कर दिया है। तो अब इस इमली को सॉफ्ट करने के लिए इसे हम 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे करीब 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। इमली को मैंने 4 मिनट तक उबाल लिया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा करना है। इमली के पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसे हाथ से इस तरह से मसल कर इसके पल्प को अलग करना है। ये मैंने इमली का पल्प रेडी कर लिया है। अब इससे हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे। अब इस पल्प को हम एक कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। इस समय गैस की फ्लेम लो मीडियम रखनी है। मैं यहाँ पर 200 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ और 300 ग्राम गुड़ ऐड कर रही हूँ। मैंने जितनी इमली ली थी उससे डबल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर चीनी और गुड़ ऐड किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर इमली की मीठी चटनी बना रही हूँ। मैं इस चटनी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर चीनी और गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। यदि आप चटनी को तुरंत ही यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आप चीनी और गुड़ कम ऐड कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर गुड़ और चीनी दोनों अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुके हैं और आप देख सकते हैं गुड़ ऐड करने से चटनी में बहुत ही बढ़िया कलर आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चीनी के साथ गुड़ भी ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे सौंठ पाउडर भी कहा जाता है। इससे चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, आप इसे जरूर ऐड करना। 1 छोटा चम्मच नॉर्मल नमक ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच ही काला नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब मैं ऐड करूंगी 1/4 कप छोटे टुकड़ों में काटे गए छुआरे। 1/4 कप ही मैंने किशमिश ली है। अब सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मीडियम फ्लेम पर इस चटनी को करीब 5 मिनट तक पकने देना है। 5 मिनट तक पकने के बाद चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो चुकी है, ये देखिए। इस स्टेज पर हम 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब एक बाउल में कुछ ड्रॉप्स लेकर इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद 2 उंगलियों के बीच में लेंगे। ये देखिए, इसमें पूरा तार बन रहा है। इस तरह का तार यदि चटनी में बन रहा है तो ये हमारी चटनी स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। ठंडा होने के बाद चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो ये देखिए, ये चटनी पहले से भी ज़्यादा थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की हो चुकी है। इस चटनी को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद आप इसे सूखे साफ जार में पूरे 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, क्योंकि गुड़, चीनी और इमली ये तीनों ही चीज़ें प्रिजर्वेंट का काम करती हैं।